कुछ दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं, आलमी इदारा बराए सेहत ने खबरदार किया है कि बाज ममालिक में कोरोना वायरस के अदम फैलाव के लिए जारी जरासीम कुछ छिड़काव से भी सेहत को खतरा लाहक हो सकता है। WHO ने खबरदार किया है कि बाज़ ममालिक में कोरोना वायरस के अदम फैलाव के लिए जारी जरासीम कुछ छिड़काव से सेहत को भी खतरा लाहक हो सकता है। WHO के मुताबिक जरासीम कुछ स्प्रे के जरिए एशिया के सतही हिस्सों की सफाई गैर मौसर हो सकती है। गलियों या बाजारों जैसी बैरूनी जगहों पर जरासीम कुछ स्प्रे या धुएं से कोरोना वायरस खत्म होना साबित नहीं है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक सड़कें और अवामी मकामात वायरस के जखायर के तौर पर सामने नहीं आए हैं और बाहर भी जरासीम को स्प्रे का छिड़काव इंसानी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। WHO के दस्तावेजात में जोर दिया गया कि जरासीम को स्प्रे वाले फर्द को किसी भी हालत में उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये जिस्मानी और नफसियाती तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकता है और ये लोकल ट्रांसमिशन को कम नहीं करेगा। WHO के मुताबिक लोगों पर क्लोरीन या दीगर जहरीले केमिकल के छिड़काव से आंखें और जिल्द में जलन समेत मैदे की पेचीदगियां जन्म ले सकती। दुनिया भर में कोरोना वायरस की रोकथाम या इसके अदम फैलाव के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं। मलेशिया समेत दीगर ममालिक में ऐसे जरासीम कुछ गेट नस्ब किए गए जिनमें गुजरने वाले हर शख्स पर स्प्रे होता है।